हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेक माय डीजे बाय तन्मय सर। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर होता है, यानी जो उसके सॉल्यूशन होते हैं अल्फा और बीटा, उनका नेचर क्या होता है, किस टाइप के नेचर्स के होते हैं। और सिर्फ नेचर को ये भी नहीं जानेंगे, नेचर होता क्या है, हम ये भी सीखेंगे कि उनका नेचर अगर ऐसा है तो क्यों है। ओके, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू नो दैट व्हाट आर द नेचर्स विच इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, जो किस पे बेस्ड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर सी पे बेस्ड है। तो सिंपली हम लोग वही नहीं जानेंगे, हम ये भी जानने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, उसका नेचर जो है, और इस नेचर पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी आते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो पे आते हैं, जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले कि रियल और इक्वल होते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव टू सी दैट देयर आर सम प्रीवियस नॉलेज इज वेरी रिक्वायर्ड, अर्जेंटली रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर हम उसको नहीं जानेंगे वी कांट फाइंड आउट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना काफी जरूरी है। और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेर ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट्स। ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये नंबर्स हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर्स में एक रिस्ट्रिक्शन जरूर है, एक आपको थोड़ा सा विजुलाइज होना पड़ेगा कि a की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यू कैन इमेजिन, अगर आपसे पूछे क्यों नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप ए की वैल्यू पे यहाँ पुटअप कर देंगे सो दिस होल टर्म विल कन्वर्टेड इन टू जीरो, और उसकी डिग्री भी वही खत्म हो जाने वाली है। डिग्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक तभी बोला जाएगा जब उसका मैक्सिमम जो पावर है वो टू है, ठीक है। इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया। और इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज वेल एज इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये पूरे पर रूट है, ध्यान दीजिएगा। दिस रूट इज ऑन होल द टर्म्स फ्रॉम बी स्क्वायर माइनस फोर सी एंड दिस होल डिवाइडेड बाई टू है। ये प्लस माइनस ही है जिनको आप सिंबोलिकली, जिनको आप कहते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये आपके रूट, ये है रूट नंबर वन, ये है रूट नंबर टू। क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स हैं, इनका रूट पहला एक बार प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस, एक बार प्लस ले लिया बाकी टर्म ने उसी तरह लिखे, और एक बार ले लिया बीटा बाकी टर्म के हमने उसी तरह लिखे, लेकिन यहाँ एक बार प्लस लिया और यहाँ पे एक बार ले लिया माइनस, बस यही आपको ध्यान देना। ओके, इसी को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ओके, बिकॉज अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हाउ दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रूट्स। भाई इसका और नेचर ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन, क्यों पढ़ रहे इसको, लेकिन इसका सबसे बड़ा आंसर जो आपको मिलने वाला है वो है कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ रूट्स। किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है यहां से, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी, या बी स्क्वायर माइनस फोर सी को ही कैपिटल d या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज बहुत ज्यादा है, आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए पता लगा सकते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, इन द लास्ट आई विल टेल यू हाउ इट्स पॉसिबल। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पे ये भी देखेंगे हाउ इट इज डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, कैसे इस पे डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड है। तो पहले हम निकालने वाले हैं वैल्यू ऑफ डी, क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर सी से निकाल लेंगे। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं, हार्डली थ्री केसेस आर पॉसिबल। ओके, वो तीन केसेस कौन कौन से, हम एक वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं।
कि डी की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा, नेचर ऑफ फ्रूट्स समझा रहे, अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, दिस ऑल पॉइंट्स विल डिस्कस करेंगे वन बाई वन। लेट अस टेक आउट द केस नंबर वन। पहले तो हम देखते हैं अगर डी की वैल्यू, सपोज डी की वैल्यू क्या आ जाए, केस नंबर वन, डी की वैल्यू अगर हम लेते हैं सपोज डी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ डी इज जीरो, अगर डी की वैल्यू जीरो होगी यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आपने फाइंड आउट किया अगर वो आ जाता है जीरो, तो हमने ये पढ़ा है एनसीईआरटी में कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो तो समझ में आया, लेकिन अगर हम पूछे क्यों है तो उसका मैं रीजन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। रियल एंड इक्वल है, हम लोगों ने पढ़ा है डी इक्वल जीरो में क्या होता है, रूट्स आर रियल होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं नॉर्मल, बट क्यों होता है ये भी आपको जानना है, ओके। सो व्हाट वी विल डू, सपोज वी आर टेकिंग दिस इज क्वेश्चन नंबर वन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, एंड वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डी अकॉर्डिंगली, और डी है क्या एक्चुअल में, कुछ है नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अगर हम फर्स्ट को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अपॉन टू ए, लिख सकते हैं ना, ये जहां बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम डी लिख सकते हैं ना, ओके। एंड व्हाट अबाउट बीटा, अगर हमें बीटा को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बीटा को लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए, इसको लिख सकता है ना, बट यहाँ एक कंडीशन में लगाइए कि अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, रख के देख लेते हैं फिर कंपेयर करने के पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस, और यहाँ आपको रूट के अंदर रखना क्या है भाई, रखना क्या है आपको, रखना है डी की वैल्यू जीरो, आपने एज्यूम किया ना, आपने माना, रख देते हैं जीरो, सो डी इज इक्वल टू रूट जीरो अपॉन टू ए। द सेम प्रोसेस वी विल डू फॉर दिस, b इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट जीरो अपॉन टू ए, हाँ समझा भी इंजॉयमेंट हो सही है, जरूरी है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट जीरो इज फाइंड आउट करना पॉसिबल है कि नहीं ये पहले बताइए, पॉसिबल है ना भाई, अगर हम आपसे पूछे अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या है, बड़ी बेटे जीरो डेफिनेटली जीरो आई, यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस यहाँ जीरो लिख देते हैं अपॉन टू ए, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस इसका भी रूट ओवर निकालेंगे तो जीरो आएगा अपॉन टू ए, और सिंप्लीफाई कर लो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि भाई जीरो घटाओ बढ़ाओ कुछ भी हो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सो बोथ द टर्म्स, अब यहां से आप हमें बताएंगे कि आपको क्या दिख रहा है, व्हाट यू कैन टेल व्हाट यू कैन सी, हाँ देखो हाँ अल्फा बीटा बराबर, हाँ बराबर तो है बिकॉज अल्फा इज ऑल्सो माइनस बी बाई टू है, और ये अल्फा बीटा है क्या, ये रूट्स है, तो ये जो दोनों रूट्स हैं वो आ गए इक्वल, और रियल क्यों बोलते हैं हम इसको, रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल है निकालना तब तो रियल वैल्यू आएगी, और अगर पॉसिबल नहीं है तब तो रियल वैल्यू आने से नहीं, बिकॉज वी कैन फाइंड आउट द रूट ऑफ द जीरो एज वेल एज द नंबर विच आर ग्रेटर देन जीरो, हम उन सारे नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं जिनकी वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी पॉजिटिव, जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने ये अंडर रूट निकाल लिया, यहाँ पे रूट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसको निकालना पॉसिबल है, इसलिए पहला नेचर तो फिक्स हो गया कि इसका जो भी रूट आने वाला है वो तो रियल आएगा, 100% श्योर है रियल तो आ गया, क्योंकि रियल क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है और एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, रियल तो आ गया और इक्वल भी आ गया। देखो अल्फा की भी वैल्यू माइनस बी बाई टू है, बीटा की भी वैल्यू माइनस बी बाई टू है, आएगी नहीं आएगी, तो हम कह सकते रियल भी आएगा और इक्वल भी आएगा, इट विल बी रियल एज वेल एज इक्वल, दिस इज द कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ डी इज टेकन एज जीरो, डी की वैल्यू क्या है जीरो है, तब का केस है, जब डी की वैल्यू आ जाए जीरो तो समझ जाना कि
कि आपका जो रूट्स है यानी उसका जो नेचर आने वाला है वो रियल आएगा और इक्वल आएगा। प्रूफ भी आ गया, इसमें प्रूफ भी हो गया ना। वैल्यू ऑफ डी कैन बी फाइंड आउट बाय डी स्क्वायर प्लस 4ac। हमने डी की वैल्यू जीरो इसमें पुट अप कर दी, हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें कंक्लूजन ये मिला कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये भी श्योर हो गया d इज इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हमने आपको बताया, जैसे क्या ना क्वेर, हाँ नोट डाउन कर लो। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। हम रखने वाले हैं सेकंड केस जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज चेंज होगी, यानी हम बहुत ज्यादा मैटर्स में सीरियस नहीं करने वाले। आपको यहां से कुछ इरेज कर देते हैं, कुछ यहां से इरेज कर देते हैं। ओके, विल टेक सम वैल्यूज और फिर देखते हैं क्या होता है, व्हाट विल हैपन। सो केस नंबर सेकंड है कि अगर डी की वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 0, व्हाट विल बी देयर? द वैल्यू ऑफ डी विल बी ग्रेटर देन 0, इट मींस आपकी वैल्यू जो डी है वो आने वाली एक पॉजिटिव वैल्यू। क्या आएगी? पॉजिटिव। अभी कोई नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, नंबर लाइन में भी देखते हो ना, क्लास 7-6 में पढ़े हो कि कोई भी नंबर है अगर वो 0 से ग्रेटर है डेफिनेटली वो किधर जाएगा? नंबर लाइन के राइट हैंड साइड जाएगा, यानी पॉजिटिव जाएगा। तो जो डी है वो होगा ना डी, अभी यहाँ लिखा था ना बी इज इक्वल टू रूट ओवर डी, और यहाँ भी लिखा था आपने बी इज रूट ओवर बी माइनस रूट ओवर डी। यहाँ अगर डी के वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई भी नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो रूट है वो तो एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने बताया किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, किसी में से निकालो, डेसिमल में तो भी निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, अरे डिवीजन मेथड है तो कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े हो ना क्लास 8 में, वैसे निकालो जी। सो एनी नंबर विच इज इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो डेफिनेटली द स्क्वायर रूट विल बी अ रियल। तो एक तो चीज बिल्कुल श्योर है कि जो भी हम लोगों का यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स आएगा वो तो रियल आएगा, एकदम डैम श्योर है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो रूट निकाल लेंगे, कंफर्म। यहां से हम एक बार फिर से इसको रिपीट करके लिख देते हैं और आपको बताना है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी चेक कर लेते हैं। इफ अल्फा, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रॉम हियर, व्हाट विल गेट? अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस ब्रैकेट। सिर्फ यहां मैं बताना चाहूंगा आपको, कभी भी आप माइनस लिखते हो तो उसके ठीक बाद आपको बना लेना है ब्रैकेट, ठीक है ना। क्या बना लोगे? ब्रैकेट बनाओगे। क्यों ब्रैकेट बनाओगे? क्योंकि माइनस बहुत खतरनाक होने वाला है। इफ यू नॉट कीप द ब्रैकेट हियर मे बी यू मे चेंज द साइन द फर्स्ट टर्म, बट यू मे फॉरगेट टू चेंज द साइन ऑफ द नेक्स्ट टर्म और देन आफ्टर द नेक्स्ट टर्म। तो आप एक हैबिट बना लीजिए, कभी भी आप नेगेटिव लिखते हैं उसके ठीक बाद क्या बनाना है आपको, हाँ ब्रैकेट बनाना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ द बीटा एज वेल, बीटा को भी पुट अप कर लेते हैं क्या होता है देखते हैं। बीटा विल बी माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने की कोशिश की, देखते हैं क्या होता है आगे। माइनस माइनस बी प्लस रूट ओवर डी, ब्रैकेट ऑफ कर दो, ये माइनस को क्या कर देगा प्लस बी, और ये भी माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा प्लस रूट ओवर डी, क्योंकि हमने पता है ना ये भी 2a है ये भी 2a है तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, न्यूमरेटर बिल्कुल ऐसे माइनस लिख देते हैं ऐसे 2a हो जाएगा। माइनस बी एंड प्लस बी विल कैंसिल आउट, माइनस बी एंड प्लस बी विल कैंसिल आउट ना, और यहाँ पे एक वही प्लस रूट बी बचा, ये भी प्लस रूट डी बचा। तो प्लस रूट डी एंड प्लस रूट डी, हाउ मेनी रूट डी? अरे वन बनाना, और वन बनाना कितना बनाना जी, टू बनाना ना, ये वन रूट डी और वन रूट डी, कितने रूट डी? टू रूट डी, टू अंडर रूट डी, लाइट टर्म इसलिए ऐड कर देंगे अपॉन टू ए, दिस विल कैंसिल आउट, व्हाट विल गेट? अंडर रूट डी बाई ए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये रियल है कि नहीं है, और रियल तो है ना, अभी तुमने बताया क्योंकि डी आपको मिलने वाला है एक पॉजिटिव नंबर, तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट एक रियल नंबर आएगा, तो रियल तो फिक्स हो गया, रियल तो फिक्स हो गया। अब बात करते हैं कि एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा, कैसा आएगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाटएवर द वैल्यू विल गेट फ्रॉम हियर,
ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अब पूछो क्यों नहीं हो सकती, आपको पहला रिस्ट्रिक्शन यही बता दिया गया कि ए तो भैया जीरो होगा नहीं, तो यहां से तो गायब हो गया। दूसरा यहां पे भी बोल रहे हैं कि डी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, जीरो से बड़ी लेना है, जीरो से बड़ी लेना है, जीरो नहीं लेना है, तो आपका ए भी कंडीशन आ गया रूट डी बाई ए, यानी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी जीरो नहीं आएगी, यानी एक नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी। और एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए नॉन जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब यहां से कंपेयर करोगे क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नहीं होना चाहिए जीरो। अब इसको और सॉल्व करेंगे मिलेगा, इसको अगर हम सेट करते हैं तो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू बीटा, यानी इनका कोई भी रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर नहीं आ सकती, बराबर नहीं आ सकती का मतलब आपको यही पढ़ाया जाता है दिस शुड टू बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट होना चाहिए भाई, बोल रहे ना हमारा अल्फा और बीटा बराबर नहीं होना चाहिए। और ये केस कब एग्जिस्ट हुआ है, जब हमने डी की वैल्यू क्या ली है ग्रेटर देन जीरो ली, एग्रीड ना, ग्रेटर देन जीरो ली है तब ऐसा हुआ। इज ऑल केसेस आर हियर, सो इन द केस डी इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स डी इज पॉजिटिव, अगर डी पॉजिटिव है तो रियल आएगा और साथ ही साथ उसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे डिस्टिंक्ट, आएंगे डिस्टिंक्ट आएंगे, कन्फर्म हुआ, शुरू हुआ तो ना, हाँ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होगा, याद दिख रहा है ना, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। सो क्लियर ऑफ पॉइंट्स आर क्लियर, ओके सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, लगेज देखते हैं क्या सीरियस करें, द नेक्स्ट केस इज व्हेन डी, अगर हम डी को लेस देन जीरो ले लें, यानी डी की वैल्यू को अगर आप क्या करने वाले हो, नेगेटिव वैल्यू लेने वाले हो, तो ये बताओ कि स्क्वायर, हाँ या केस लिख देते हम डी इज लेस देन जीरो अगर है तो क्या होगा आपके साथ, यानी आपके जो अल्फा और बीटा है उनमें कैसा रिलेशन आने वाला है, व्हाट इज द नेचर, ओके नेचर क्या आएगा, समझ में आ रहा है आपको आया, कुछ क्वेश्चन है उसको बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज, स्क्वायर रूट मैंने पूछा है, हाँ स्क्वायर रूट टू, हाँ पॉजिटिव आएगा जी, हाँ अगर ये किसी का सोल्यूशन पूछता तो हम उसे पूछते हैं सोल्यूशन प्लस माइनस में आएगा, हाँ ठीक है चलो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है कैसे आप कह सकते हैं कि ये टू जो है इसका स्क्वायर रूट है, अच्छा किसका स्क्वायर, टू का, हाँ क्या करेंगे तो फोर आ जाएगा, तो हाँ ठीक है सही बताया, वेरी गुड नाइस, व्हाट विल डू विल स्क्वायर दिस टू, जो भी स्क्वायर रूट आया उसका स्क्वायर कर दे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाना चाहिए, तब तो वो हम बोलते हैं सर यही है इसका स्क्वायर रूट, कोई है नहीं है ना, अच्छा माइनस टू भी, हाँ सही, हाँ माइनस टू का भी स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, चलो ठीक है। वन मोर डाउट इज देयर, एक और डाउट, डाउट है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर, अब बताओ क्या है, पॉसिबल नहीं, अच्छा अच्छा आता ही नहीं, आता है भाई आता है, आता है लेकिन तुम्हारे आउट ऑफ कवरेज एरिया है, समझे ना, फिलहाल नहीं अगले क्लास में आएगा, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं गैप कर दूंगा ना, सो दिस विल एग्जिस्ट बट इट विल इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा, इमेजिनरी फॉर्म में आएगा, वो सारी चीजें अभी हम लोगों को डिस्कस नहीं करनी है, बट इमेजिनरी का मतलब कि ये एक नॉन रियल आए, क्या आएगा
नॉन रियल नंबर आने वाला है आपके पास, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। माइनस फोर का स्क्वायर रूट, अगर माइनस फोर का स्क्वायर रूट निकालेंगे सो व्हाट विल गेट, माइनस टू, अगर माइनस टू बोलेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर करने पे माइनस फोर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो जी आना चाहिए ना, हाँ इट शुड टू बी माइनस फोर। क्या मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का आपने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि कभी वो नेगेटिव आ सकता है, इट इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, पॉजिटिव ही ना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। सो बाय दिस एग्जांपल वन थिंग इज वेरी श्योर दैट व्हेन एवर वी आर टेकिंग द रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, उसका कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम इमेजिन नंबर आयोटा आई से लिखते हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस क्लास में आपके पास नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है इसकी वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगा। ओके, मान लो हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर माइनस डी अपॉन टू ए, निगेटिव ले लिया डी को, और अभी हमने बताया कोई भी ऐसा नंबर है जो निगेटिव में है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो नॉट अ रियल आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। किसी भी रियल नंबर के, नॉन रियल नंबर के साथ कुछ भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे वो नॉट रियल नंबर आएगा, आएगा ना। सो अल्फा हो या बीटा हो, दोनों केसेस में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो नेचर आएगा, इसका जो नेचर आएगा आप बोलेंगे नॉट अ रियल नंबर। ऐसा नहीं कि रूट आएगा ही नहीं, लेकिन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट आएगा इमेजिनरी नंबर में आएगा, आयोटा में आएगा, आई की फॉर्म में आएगा, हमें नहीं पढ़ना है, तो यहां से क्लियर है कि वो रियल नंबर नहीं आएगा। तीनों कैसे समझ में आ गए, जब रियल नंबर आएगा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं लगाना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। तो तीनों कैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अब एट ए ग्लांस तीनों को हम देख लेते हैं, इन शॉर्ट देख लेते हैं ऑल द थ्री केसेस। इफ द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, सो अगर इज इक्वल टू जीरो है तो रियल तो होंगे और इक्वल होंगे, रियल है इक्वल। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ग्रेटर के लिए तो रियल होगा, ये श्योर है, बट रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं डिफरेंट आएंगे। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो यानी डी निगेटिव आता था तो आप बोलते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ लेकिन किसमें, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर ना। दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है आपका पहले नंबर पे बैठा हुआ डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, बट कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप होमवर्क में नोट कर लीजिए और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, क्लियर। एंड डी इज व्हाट, डी इज सिंपली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी, ए बी सी का जो भी आप वैल्यू लेंगे वो विद द साइन लेंगे, बी की वैल्यू बी साइन के साथ ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है कि स्क्वायर लग गया इनका, और ये ए और सी का भी आप विद द साइन लेंगे, इज क्लियर ऑल ऑफ यू, डोंट नो इट। सो फर्स्ट वन इज 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, सेकंड है 3x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, थर्ड 2 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आप लोग भी बताइएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स इन माय कमेंट बॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, इट इज मोर देन द एनसीईआरटी, मे बी इट विल हेल्प यू, सम मोर क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू क्लास, थैंक यू।